श्रीनाथ क्रिएशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड चिली पिकल। हमें ये पिकल बनाने के लिए ये टाइप की रेड चिली लेनी है। इसके लिए हमने ये सब इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले हमें रेड चिली को अच्छे से धोना है, फिर 1 इंच की साइज़ में इसे कट करके इसके सीड्स भी निकाल देने हैं। सबसे पहले हम मसाले मिक्स करेंगे। इसके लिए हमें मेथी कुरिया 3 टीस्पून लेना है और मस्टर्ड कुरिया 3 टीस्पून लेना है और फिनेल सीड का हमें पाउडर बनाना है और उसे हमें 3 टीस्पून लेना है। साथ में अजवाइन डालेंगे, वो 1/2 टीस्पून डालनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो ना डालें। टर्मरिक 1 टीस्पून डालनी है और हींग 1/4 टीस्पून डालनी है और सॉल्ट 2 1/2 टीस्पून डालना है। अब इसमें हम विनेगर या फिर लेमन जूस डालेंगे। विनेगर या लेमन जूस कोई भी आप 3 टीस्पून ले सकते हैं, लेकिन कोई भी एक ही चीज़ डालनी है, मैंने विनेगर डाला है। अब लास्ट में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है। अब सभी मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें हमें चिली मिक्स करनी है। यही स्टाइल में हम ये मसाला, अगर आपको स्टफ चिली बनानी है तो चिली को हमें काटना नहीं है, सिर्फ एक चीरा करके इसके अंदर ये मसाला भर के हमें स्टोर करना है, तो वो स्टफ पिकल बनता है। मसाला मिक्स हो गया है। अब इसमें हम रेड चिली हमने जो काट के रखी थी इसे हम इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपको स्टफ चिली बनानी है तो ये मसाला को आपको स्टफ चिली के जो कटिंग किया हुआ पोर्शन है उसके अंदर स्टफ करना है और फिर इसे स्टोर करना है। अभी इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके एयरटाइट जार में हमें इसे पैक करना है और ये पिकल को हमें 1 महीने के बाद यूज़ करना है, वरना ये बहुत ही तीखा लगता है। ये पिकल टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, इसे आप फ्रिज में 1 ईयर तक इसे स्टोर कर सकते हैं। रेड चिली पिकल आप बनाइए, खाइए और खिलाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए।